तो मोहब्बत का एजहार किया तो इनका जवाब क्या था जवाब तो नाम ही था क्यों मेरा दिल टूट गया था यार क्यों आप छोटे लगते ना से हाँ मैं तब तेरह साल का था मैं तो इन्होंने कहा कि यार तुम मुझसे बहुत ज्यादा छोटे हो मैं तुमसे प्यार करना है या तो हम लोग लव करें इसकी बात ही यही थी कि हम दोनों ने शादी करनी है मैंने तुमसे शादी करनी है और इसलिए मुझे यानी कि ना इन पे बहुत ज्यादा बिलीव करना पड़ा जब हाँ प्रपोज किया तब आपके क्या ख्याल है हाँ तब यही ख्याल आते नहीं शेबा आप मुझसे छोटे हो तो ना ये रिलेशन ज्यादा आगे तक पता नहीं जाता है या नहीं इसलिए ना तुम टाइम वेस्ट ना करो लेकिन इसने कहा कि नहीं इनशाला तुमसे शादी करूंगा और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारे आपको प्यार हुआ है हुआ होगा ना ज़रूर हुआ होगा किससे अपनी उम्र की लड़की से दो साल छोटी तीन साल छोटी पाँच साल छोटी हो सकती होगी लेकिन पंद्रह पंद्रह साल छोटी तो नहीं हो सकती हम आपको एक दिखाने वाले पाकिस्तान का ये वीडियो जिसमें एक बीस साल के लड़के है मुझे वो बीस साल का लग भी नहीं रहा उसको एक दाढ़ी का बदल बाल तक नहीं आया हुआ उसने जो अपनी माँ की उम्र की लड़की औरत लड़की औरत के साथ जो है शादी कर ली है और बड़ा प्यार करता है उसे और उस लड़के ने बताया कि वो भाई जो है तेरह साल की उम्र में उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था यार सोचने वाली बात है तेरह साल के लड़के ने तीस साल की आंटी को जो प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो ये जो संस्कार कहाँ से आते हैं रिमाइंड में बातें आती कहाँ से है इतनी हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आती तो चलिए तो वीडियो देख लेते हैं वीडियो के बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में आज एक ऐसी हैरान हैरानकुन जो है कहानी है कि जुहेब जिसकी उम्र बीस साल है और जो हमारी भाभी हैं उनकी उम्र पैंतीस साल है इन्होंने शादी की किस तरह इन्हें का इजहार किया जुहेब जो हैं इस वक्त हैंडसम लग रहे हैं पप्पू लग रहे हैं छोटे से गोंगलू से हैं लेकिन जो हमारी भाभी हैं वो माशाल्लाह टीचिंग करती हैं और घर चला रही हैं इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको महब्बत कब हुई कब इनको ये रिलइज़ हुआ कि इन्होंने पंद्रह साल से ज़ाहिर लड़की के साथ मोहब्बत का इज़हार किया और किस तरह ये मोहब्बत के बंधन में बांधे तो नाजिन इनसे गुफ्तगु तो का आगाज़ करते हैं और इनसे यह लव स्टोरी सुनते हैं असल वैलकुम अल्लाम जेबा ये बताएँ कि हर इंसान की ये ख्वाहिहिश होती है कि वो शादी करे अपने से कम लड़की से तो आपने किस तरह पंद्रह साल का डिफरेंस यार ये दिल लाने की बात है जिसपे दिल आ जाए उसके साथ निकाह फिक्स कर लो पहले तो कोशिश तो आपने करनी है कि मतलब जिसके जिसप आपका दिल आया अगर आप सच्चे हैं तो आपने कोशिश अपनी नहीं छोड़नी तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे मेहनत करेंगे उसके उस लड़की को पाने के लिए तो आपके आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी और मैंने वो सब किया है तो आज अलहमदिल्ला ये मेरे साथ है नहीं जब आपने उनको मोहब्बत का इजहार किया तो इनका जवाब क्या था जवाब तो ना ही था क्यों मेरा दिल टूट गया था यार क्यों <laughs> तो आप छोटे लगते होंगे ना गंगलू से हाँ मैं तब तेरह साल का था मैं तो इन्होंने कहा कि यार तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो तो ये मेरा मतलब मेरा और आपका रिलेशन बनता ही नहीं ऐसे तो आगे से हंस रही थी लेकिन मैंने कहा मैं सीरियस हूँ यार मेरी फीलिंग्स को समझो मैं ऐसा मतलब नहीं हूँ तब हालांकि मैं बच्चा था लड़का तो मुझे कह सकते मैं बच्चा ही था तो मैं मैं फिर अपने घर पे वापस किया जब मैं अपने फ़र्स्ट टाइम ये मेरे घर पे आई मैं गांव में गांव में रहता था फर्स्ट टाइम ये मेरे घर पर आई तो मैं बाइक से आ रहा था तो कमरे के अंदर ये बैठी हुई थी ऑलरेडी स्माइल पास कर रही थी तो पता नहीं किसी के साथ बातें कर रही थी अमी वगैरह के साथ किसके के साथ बातें कर रही थी तो मैंने सिर्फ इनका फ़ेस देखा मैंने किसी और बंदे को नहीं देखा सिर्फ इनका फेस देखा स्माइल मर गए स्माइल पे मर के बस कुछ ऐसे ही सीन बाट हुआ फिदा हो गया पसंद आ गई मुझे और मैं बाहर गया अपनी खाला के पास खाला बैठी हुई थी मेरी अपने चूल्हे के पास तो मैंने उनसे कहा कि यार मैंने खाला उस लड़की के साथ शादी करनी है तो वो आगे से हंसने लगी मतलब तो एकदम से ना पर उड़ गया उनके कि यार ये क्या कह रहा है तो उसके बाद मैंने कहा ना मैं खाला मैं सीरियस हूँ मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और उस वक्त से लेकर ना मजाक उड़ाया होगा सबने मजाक उड़ाया और खाला इवन के जब खाला जब मेरी मिलती थी मुझे कि और यही बात करती थी शोब तुमने शादी किसके साथ करवानी मेरे का? मैं कहता था मैं उसे कुड़ी ना विह कराना है तो मतलब ये इस चीज़ को लेके ना वो मुझे एक शुगर बनाया हुआ था कि हंसते थे खुद तो उसके बाद क्या हुआ जी कि मैं उस पल का इंतजार कर रहा था कि मैं कौन सी एज में जाऊँ तो उससे जाके उस लड़की को प्रपोज़ करूँ तो एटलीस्ट नाइन्थ क्लास की गर्मियों की छुट्टी हुई थी गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे तो गर्मियों की छुट्टी इनके पास स्पेंड करने के लिए आया सारा दिन यही मुआइना लगाता रहा घूमा फिरा पहले इनके साथ गपशप लगाई मुआना लगाया कि यार अब इनका मूड कब ठीक होगा कि मैं इनके साथ अच्छा, पहले आप ताड़ रहे थे ताड़ रहे थे अच्छा ठीक है तो फिर मौका दे के कोई शाम में शाम के दरमियान मैंने मतलब जब आपकी सा... पहली मुलाकात हुई आपने इनको क्या कहा कि मैं आपको प्यारा लगता हूँ इन्होंने क्या तुम प्यारे हो तुम छोटे हो तो लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो मैंने कहा क्योंकि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं कि नहीं तो ये मतलब इस तरह का ऐसा कोई प्रपोज़ किया इस टाइम में मैंने प्रपोज़ किया था तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा यार हमारा रिलेशन बनते ही नहीं है ये पॉसिबल नहीं है ये हंस रही थी तब तो उस उसमें पास कर रहे थे हैरान हो रहे थे कि यार इतना छोटा हो गया मुझे ये बात कर रहे हैं तो अच्छा रिलइज़ हुआ कि आप सीरियस हैं ये एक साल बाद जाके ने रिलायज हुआ था जब मैं इनसे थोड़ा सा पीछे हुआ तो मतलब मैंने यार रिलायज़ करवाना था अब एक साल थोड़ा था थो था किसी लड़की को पटाने के लिए तो मैंने तो बड़ी खैर कोशिश की इनको मनाने की कि भाई मैं आपके साथ सीरियस हूँ सीरियस हो तो मेरी मेरी फीलिंग्स को समझो तो एक साल के बाद जाके इनका मैसेज आया मुझे जब मैंने इनको छोड़ दिया ना मैसेज करने इनका मैसेज मुझे आया फिर तब हमारा रिलेशन स्टार्ट हो गया चार से पाँच साल रिलेशन में रहे हम उसके बाद अलहदुल्ला हमारी मंगनी हुई मंगनी के बाद शादी चार साल के अंदर कभी लड़ाई हुई तो क्या गुफ्तगु होती थी आपस में लड़ाई के दौरान लड़ाई के दौरान गुफ्तगु होती थी तो यही थी कि क्या खाना में दोस्ती में जो भी पहल कर रहा है तो दूसरा बंदा यही कहता था ये जवाब में यही कहते थे कि अगर तुम्हें बिलीव है ना तो मेरे पे कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम मेरे साथ रिलेशन रखो वरना तुम रिलेशन खत्म कर सकती हो अच्छा देखिए इसके ऊपर कैसे यकीन किया कि छोटा सा बच्चा आपके सामने आपने कहा कि ये मुझे मोहब्बत मु� का इजहार कर रहा है आप तो ये समझती समझियो कि ये मेरे मजाक कर रहा है हाँ यही था कि इसने कभी ये बात नहीं की थी कि, कि उसका नाम है मैंने तुमसे प्यार करना है या हम लोग लव करें इसकी बात ही यही थी कि हम दोनों ने शादी करनी है मैंने तुमसे शादी करनी है और इसलिए मुझे यानी कि ना इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ा जब प्रपोज़ किया तब आपके क्या ख्याल थे हाँ तब यही ख्याल थे कि नहीं शेबा आप मुझसे छोटे हो तो ना ये रिलेशन ज़्यादा आगे तक पता नहीं जाता है या नहीं इसलिए ना तुम टाइम वेस्ट ना करो लेकिन इसने कहा कि नहीं इन मैं तुमसे शादी करूँगा और हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारें था जब आपने शादी की लोग तो कहते होंगे यार भाभी जो है बड़ी है बच्चा हमारा हैंडसम है छोटा है, सा है पप्पू सा है नहीं मेरी माँ बाप ने मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया वो 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 कि ठीक है अगर तुम वहाँ पे करना चाहते हो तो ठीक है हम तुम्हारी खुशी देखेंगे उन्होंने उन लोगों ने तो मेरी खुशी देखी है ना तो लेकिन मेरी सासू माँ की तरफ से था थोड़ा सा कहती थी कि यार तुम तो बच्चे हो मतलब इसके साथ इसकी जोड़ी नहीं बनती एक होता ना एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए होता है बेटी का ज़्यादा खतरा होता है बेटी की तरफ से तो कुछ भी नहीं था वो तो मतलब आज़ाद होता है ना तो बेटी के लिए उन्हें डर था अपना कि यार छोटा सा बच्चा है तो इसके साथ शादी करके कल ये ना हो कहीं कि कल दूसरी भी कोई शादी करी बैठा अच्छा आप ये बताएं कि जब आप आपस में लड़ाई करते हैं तो आप इनको किस तरह डांटते हैं या फिर डांट ही खाते हैं आप या डांटा तो कभी नहीं सही बताऊं तो।, <laughs> तो तो अगर मुझे गुस्सा आता भी ना या तो मैं साइड मार जाता हूं तो या फिर मतलब मोबाइल पकड़ के इधर उधर बैठ गया या फिर आपस में यार जी क्या है यार जी क्या है तो लेकिन एक बात बताऊं मैं इनसे जब भी दूर होता ना कम से कम चार घंटे से ज़्यादा मैं अगर दूर रहूँ ना तो मुझे मतलब बेचैनी से होनी शुरू हो जाती है अच्छा एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया हूँ इस्लामाबाद एक रात मैंने गुजारी है वहाँ पे तो जब मैं अपना अड्डे पे गया बस बस के टिकट लेने के लिए बैठा हूँ जब मैं अड्डे पे गया अड्डे पे जाके मैं बस की टिकट खरीदने लगा हूँ तब तो मैंने तब तो खुद को वहीं पे रोका मैंने कहा यार सेब अभी वापस चला जाए तो नहीं कटेगी तो रात नहीं कटेगी अच्छा, एक रात बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल है भाई कभी सोए नहीं मतलब आप तो पक्के आशिक पक्के नहीं उससे भी आगे तो तो मजनू मजनू से आगे की लैला मिल गई मिली आपको लाला मिल हाँ अलहमदिल्ला तो तब भी मैं खुद को यही रोक रहा था यार मुश्किल है तेरे लिए रात गुजारना तो मुश्किल हो जाएगा लेकिन तू चला जा वापस पता नहीं मैं ऐसे कैसे करके चला गया मुझे जाना पड़ा कोई मतलब इंपॉर्टेंट काम था तो खैर मैं, मैं मैंने काम किया और फौरी वहाँ से वापसी मैंने की अच्छा बाबा ये बताएं कि आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप किस तरह इनको डांटती हैं फिर यही है कि क्या सुना नाम है मैं खुल के डांटती हूँ छोटे भी हैं इसलिए फ़ायदा हो जाता है ये ऐसे डांटती है क्योंकि टीचर है तो टीचर होने के नाते जैसे ये अपने बच्चों को डांटती है ना स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल मुझे वैसे ही डांट रही होती है किस और किस लव से मुखातब करती है लव्स तो नहीं कोई ज्यादा लेकिन क्या उसका नाम है डांटने में सारे वर्ड यूज हो, हो जाते हैं अच्छा आप कौन सा सॉन्ग जो है वो सुनाएंगे आप भाभी के लिए हाँ मैं गाना गाता हूँ अभी ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਓਗੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਈ ਬੁਹਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਤੂੰ ਖੋਲ ਨਾ ਦੇਈ ਓ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਨੀ जे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बताएंगे खाने में क्या पसंद है डांट ही खाते हैं खाना भी खाते हैं नहीं ज्यादा डांट खाता हूँ <laughs> <laughs> इसलिए दस किलो वजन बड़ा हो मेरा अच्छा माशाल्लाह आपकी जोड़ी जो है वो सलामत रहे अब भाभी आप क्या कहना चाहेंगे यही कि आपने इतनी अच्छी दुआ दी है तो बस यही है कि हम दोनों खुश नहीं अच्छा <laughs> ये बताएं कि यार जो लोग मोहब्बत करते हैं आपने तो मोहब्बत हासिल कर ली जो लोग आधे रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं उनको क्या कहेंगे आप यार अल्लाह ताला की बेहतरी है उनके लिए भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना वो अल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है कोई ना कोई अजीन अजीन आपने इनकी गुफों सुनी है और इनका ये कहना है कि हमारा जो साथ है वो इनशाला हमेशा के लिए साथ रहेगा और इसी तरह की मुस्कुराते रहेंगे वीडियो और भाई का प्यार आपको कैसा लगा मतलब यार एक हद बोले यार प्यार की हद बोले मतलब प्यार की हदें पार कर दिए इस भाई ने जो एक लेडी के साथ इस भाई ने शादी की है इन भाई ने जो तेरह साल की उम्र में उनको प्रपोज कर दिया था यार तेरह साल की उम्र में उन्होंने प्रपोज कर दिया इस उम्र में यहाँ पे बच्चे जो है किंडर कि खेलते हैं और क्रिकेट बैट बैट मांगते हैं यार इन भाई ने दुल्हन मांग ली यार ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उन्होंने तेरह साल की उम्र में उनके माइंड में दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और जो है इतना आइडिया डेवलप कैसे हुआ उनके माइंड में और क्या चल रहा है उनकी संस्कृति के बारे में आप क्या बोला चाहोगे पाकिस्तान के बारे में दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करना अपनी राय जरूर देना थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट के भी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद